हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन ट्यूटर चैनल। आज हम वॉशिंग मशीन के बारे में आपको बताएंगे। देखिए, ये नया वॉशिंग मशीन है जो कि अभी पूरा पैक है। अभी हम इसे वॉशिंग मशीन को खोलेंगे पूरा, इसके बारे में अच्छी तरह से जानकारी देखेंगे कि इसके अंदर क्या है। देखिए, ये LG कंपनी का वॉशिंग मशीन है और इसका जो टोटल वेट है वो 27 kg का है और जो इसका टब वेट है वो 7.5 kg है। ये इसमें इसका मॉडल नंबर लिखा हुआ है, प्राइस इसका लिखा हुआ है। सेमी ऑटोमेटिक मशीन है। देखिए फ्रेंड, हम इसको खोलते हैं, ओपन करते हैं। देखिए, अब ये खुल कर रखा गया, ये इसका बॉक्स ऊपर का। अब देखते हैं इसके अंदर क्या है। इसका कलर देखिए कितना बेस्ट कलर है, ये ब्लू कलर में है और ब्लू वाइट में है। मौको पूरा दिखा देते हैं, 5 स्टार है। और LG में खासियत होती है कि ये इंडियाज फर्स्ट रैट अवे होता है, मतलब इसकी मशीनें ऐसी डिजाइन की जाती हैं कि इसमें पॉइजन रेड पॉइजन मिलाकर डिजाइन की जाती हैं, कोई चूहा आपके सब्सटेंस को काट ना सके। 5 ईयर वारंटी है किसका, मोटर का 5 स्टार है। और टाइप ये सेमी ऑटोमेटिक है, LG है, 7.5 kg है। वर्क विदाउट स्टेबलाइजर है ये। देखिए, इसमें वाश सेलेक्टर है, ये पाइप है, पाइप के द्वारा हम इस टोटी में पानी लगा देते हैं तो टोटी से ये पानी भरा जाता है इसमें। और ये वाश देखिए, यहाँ पर ऐसे पानी ये भरा जाएगा टोटी में। ये वाश टाइमर लगा हुआ है इसमें और कितना आप टाइम सेट करना चाहते हैं ये पूरा घूम जाएगा ऐसे। आप 15 मिनट तक चाहते हैं तो 15 मिनट तक टाइम सेट कर सकते हैं। वाश सेलेक्टर है, आप नॉर्मल पर घुमाना चाहते हैं, वाश करना चाहते हैं अपने कपड़े को, या फिर जेंटल पर, मतलब थोड़ा सा नॉर्मल से अधिक तेज़ ये घूमेगा रोटी करेगा, और या फिर स्ट्रॉन्ग पर। अगला देखिए, ड्रेन सेलेक्टर है। ड्रेन सेलेक्टर में वाश रिंस करेंगे, मतलब रिंस मतलब खंगालना, ये खंगालेगा। और जब हम ड्रेन पर क्लिक कर देंगे तो ये जब ड्रेन पर जाएगा तो ये पानी को बाहर निकाल देगा पूरे टब को। ये है आपका वाश टाइमर, स्पिन टाइमर है ये। यहाँ पर ये विंड जेट ड्राई है, इसको ये घुमाता है, स्पिन करता है। और इसमें देखिए साउंड लगा हुआ है, जब ये टाइम आपका हो जाएगा ये 15 मिनट 10 मिनट 5 मिनट जो भी सेट करेंगे तो ये आवाज़ करने लगेगा, इसमें साउंड बजेगा। ये 7.5 kg का LG है, बेस्ट कंपनी है। ये वाटर सेलेक्टर है, जब पानी डालेंगे तो इसको आप ऐसे कर देंगे या फिर ऐसे। चलिए इसको हम अंदर से देख लेते हैं। इसको देखिए, जब इसको हम खोलेंगे ऐसे, वाओ कितना मस्त है इसमें। इसको हम बाहर ऐसे निकाल कर रख भी सकते हैं। अब देखिए इसके अंदर क्या हुआ, यहाँ पर लिखा हुआ है कि पानी की निरंतर बहनी की समस्या, पानी के नहीं निकलने की समस्या, पूरा यहाँ पर बताया गया कि कैसे क्या होगा। ये आपका ये यही घूमता है, ये स्पिन करता है ऐसे ऐसे, ठीक है। और देखिए इसमें ये जाली लगा हुआ है, पानी जब आप इसमें से भरेंगे तो इसी जाली के रास्ते गिरेगा पानी, और कुछ पानी इस रास्ते से भी गिरेगा, ठीक है। और इसका इसमें 7.5 kg तक पूरा कपड़ा अमा सकता है, मतलब जो कपड़े की वजन होगी टोटल 7.5 kg होगी। और यहाँ पर इतना पानी भर देंगे आप तो अपने आप इतना हो जाएगा जब झाग बना देगा। और इसमें अगला देखते हैं हम तो करते हुए, देखिए ये सुखाने के लिए, इसमें भी सावधानियाँ लिखी हुई हैं। इसमें आप खंगाल सकते हैं और सुखा भी सकते हैं, दोनों इसमें सिस्टम है। देखिए ये है, इसमें कपड़े को देखिए, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा स्पेस दिया गया है, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा स्पेस है तो स्पेस दिया, तो इसे ऐसे कपड़े को फैला सकते हैं आप, ठीक है। कपड़ों को फैला कर इसमें ऐसे रख सकते हैं कि ये सुखा जाए। इसको हम चलिए बंद कर देते हैं। और इसको भी हम ढक देते हैं। देखिए ये पूरा पैक हो गया। अब इसके हम पीछे की तरफ चलते हैं। देखिए फ्रेंड, हम इसके पीछे आ गए हैं वॉशिंग मशीन के। इसके पीछे देखिए क्या है, ये देखिए ये
ये इसमें पानी बाहर निकलता है, ये लगा हुआ है इसमें, यहाँ पर पानी बाहर निकालने के लिए है इधर, और ये इसका प्लग लगा हुआ है। आप इस प्लग को बाहर निकाल कर या तार में लगा सकते हैं लाइन में, यहाँ पर ये खुल सकता है मोटर में अगर कोई ख़राबी हो। ये देखिए यहाँ पर इसके बारे में बताया है ये कि ये LG सेमी ऑटोमेटिक है, 7.5 kg है, और इसका मॉडल नंबर नंबर सब दिया हुआ है। देखिए नंबर हम आपको पूरा दिखा दिए कि ये कैसा दिखता है आगे से। देखिए इसकी साइज़ है, साइज़ भी इसकी ठीक ठाक है, बड़ी साइज़ है, दिखने में भी अच्छा लग रहा है। ये सबसे बढ़िया बात है कि ये 5-star है और 5 ईयर गारंटी भी है। इसके साथ एक कागज़ भी मिला है, हम आपको भी दिखा रहे हैं। देखिए ये वॉशिंग मशीन पूरा गाइड दिया आपको कैसे क्या क्या करना है, पूरा समझाया हुआ है। अपने मॉडल नंबर के हिसाब से, वॉशिंग मशीन के मॉडल नंबर के हिसाब से आप देख सकते हैं। चलिए इसको हम इसी में रख देते हैं। धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।